गाइज आप लोग को कोई सा भी ऐप या फिर गेम डाउनलोड करना होता है सो गाइज आप लोग जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में और वहां उस एप्लीकेशन पे गाइज आप लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट गाइज आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करने लगते हैं। बट गाइज जैसे कि एप्लीकेशन का साइज बड़ा है और अगर आप लोग का जो इंटरनेट है वो खत्म हो गया और आपको उस गेम या फिर एप्लीकेशन को पॉज करना है उसी परसेंटेज पे, तो गाइज आप लोग को प्ले स्टोर पे पॉज बटन देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग को उसको रोकना है तो आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, कैंसिल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और गाइस अगर आप लोग कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने परसेंटेज आपके डाउनलोड हुए हैं गूगल प्ले स्टोर में उस एप्लीकेशन के वो वहां पे इरेज हो जाएंगे और आपका जो एमबी और जीबी है इंटरनेट है वो आपका खराब हो जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही ज्यादा गाइस अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग गूगल प्ले स्टोर में गाइस आप लोग जो पॉज बटन है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, देखते रहिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक। सो गाइस अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है सो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अगर आपने हमारे चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाएं उस सब्सक्राइब बटन को, साथ में ही करें बेल आइकन को ऑन। सो हे वॉसम गाइस इट्स मी समीर उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग द इनसेन सैम यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और गाइज इस ट्रिक से आप लोग अपने प्ले स्टोर में अपने खुद के मोबाइल फोन में पॉज बटन को इनेबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइज आपको आ जाना है अपने फोन के प्ले स्टोर में और गाइज प्ले स्टोर में आ जाने के बाद आप लोग को एक कोई सा भी बड़ा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है बिग साइज का। तो यहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करके आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर गाइज आप लोग जब इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो पूछेगा कि आप लोग वाईफाई से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर मोबाइल डाटा से, तो मैं मोबाइल डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद ओके कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर गाइज आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस है यानी कि डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो चल चुका है। और गाइज आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर के साइड में फोन में KBPS है फिर MBPS दिख रहा है इसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। और गाइज इसमें आपको कैसे पॉज बटन लाना है, कैसे इसको पॉज करना है, मैं सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोग देख सकते हैं 1% हो भी गया है और KBPS पे गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा और MBPS पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है बैक होम बटन आ गाइज आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद गाइज आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आप लोग को प्ले स्टोर में ये पॉज वाला फीचर लाना है, तो सबसे पहले तो गाइज आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। और गाइज मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आप लोग को क्या करना है तो मैं बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको आना है ऐप्स के सेक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग के पास गाइज यहाँ पे फोन में सेटिंग ओपन करेंगे तो ऐप्स बोल के एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर गाइज आप लोग को सेकंड ऑप्शन पे एक ऑप्शन मिलता है मैनेज ऐप्स बोल के, जिस पे गाइज आपको क्लिक कर देना है मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन पे। गाइज आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे आप लोग के अपने फोन के। तो यहाँ पर गाइज आपको टॉप साइड में सर्च बटन एक देखने को मिलता है, तो गाइज आप लोग को सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको फिलअप करना है गूगल प्ले स्टोर। गाइज सेम टू सेम जैसा मैंने बोला वैसा ही लिखिए तो गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर आ जाएगा, टॉप में ही आ जाएगा। तो आपको गूगल प्ले स्टोर को गाइज यहाँ पे क्लिक कर देना है यानी कि उसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और सेकंड ऑप्शन पे आपको एक देखने को मिलेगा डाटा यूजेस करके, तो गाइज इस पे आपको क्लिक कर देना है डाटा यूजेस वाले ऑप्शन पे। फिर आपको गाइज चार ऑप्शन मिलते हैं मोबाइल डाटा सिम 1, मोबाइल डाटा सिम 2, वाईफाई और बैकग्राउंड डाटा। तो गाइज अगर आप लोग को पॉज करना है प्ले स्टोर में कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी आप लोग ऐप या फिर गेम डाउनलोड कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप लोग मोबाइल डाटा से गाइज यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं तो दोनों के दोनों सिम के गाइज यहाँ पे आपको डिजेबल कर देना है। और अगर आप लोग वाईफाई से कर रहे हैं तो गाइज आपको वाईफाई का ऑप्शन डिजेबल कर देना है। तो मैं मोबाइल डाटा से कर रहा हूँ तो मोबाइल डाटा को डिजेबल कर दिया और अब गाइज आप लोग देखिएगा वो जो गेम है यानी कि जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर पॉज हो जाएगी। तो गाइज आप लोग KBPS पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 पॉइंट आने लगा है यानी कि 0 पॉइंट आने लगा है KBPS और आपकी गाइज जो डाउनलोडिंग है वो स्टॉप हो चुकी है। गाइज इस ट्रिक का आप लोग यूज करके अपने खुद के प्ले स्टोर में गाइज पॉज जो है उसको आप लोग इनेबल कर पाएंगे यानी कि आप लोग का जो गेम है वो तुरंत से ही पॉज हो जाएगा। फिर आप लोग को गाइज जब भी उसको पॉज करने के बाद फिर जब भी आपको इसको इनेबल करना है तो आप लोग को फिर से सेटिंग में जाना है उसी ऑप्शन में और वही दोनों ऑप्शन को गाइज आपको इनेबल कर देना है। गाइज आप लोग एकदम ध्यान से देख ही पा रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेट है वो ऑन है और यहाँ पर गाइस प्ले स्टोर में वो जो एप्लीकेशन यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी है वो गाइस पॉज हो चुका है। तो इस ट्रिक का आप लोग यूज करके गाइस बहुत ही ज्यादा आसानी से इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और आप लोग
पॉज बटन को गाइज यहाँ पे आपने ला सकते हैं, पॉज के इनेबल कर सकते हैं गाइज आप लोग अपने खुद के प्ले स्टोर में। तो काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है ये। सो गाइज आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अगर आपने हमारे चैनल को गाइज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ही करें बेल आइकन को ऑन। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ। इंसेन आर्मी, एंजॉय।